वेलकम टू सेंटर फ्रेश च्युइंगम प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की, जहां पूरे सोने परिवार के साथ होली का जश्न जारी। खुश हो रहे ना देख के? ऐसे ही होता है, एक ही फिल्म में तीन तीन स्टार देखने को मिले ना, शाहरुख, आमिर और चंकी पांडे, तो खुशी तो होती है। अबे ऐसा क्यों बोलता, अपना ही भाई है यार, बुरा मान जाएगा यार चंकी पांडे। अच्छा हुआ चंकी पांडे बोला है, कहीं सलमान बोल देता सुहेल भाई बहुत बुरा मानते हैं। अर्चना, यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाटएवर, कि तीनों के हाथ में पिचकारी फिर भी रंग की नहीं लगा रहे। अभी होली त्योहार ही ऐसा, जब तक किसी लेडीज के ऐसे ऐसे करके लाल लाल ला ना करो तो मजा नहीं आता है। और हमारे घर में तो कोई भी नहीं, हम लोग तीनों भाई और चौथा हमारा बाप, एक वो भी जेंट्स। और लेडीज का मजा लेने के लिए देखो, हमने अपने भाई को सहेलियों जैसा बना के रखा हुआ है। तू तो बड़ा राजेश खन्ना पे ठुमरी कही के। मैं राजेश खन्ना ना थी, तू तो मुमताज लगी रहा। अरे बुड्ढी बुड्ढी औरतों को रंग जाके लगाना पड़ता है पता। खैर बुड्ढी से ज्यादा श्रुति कैसी है तुम? आज पहली बार 5 साल में श्रुति सेठ का नाम जस्टिफाई हुआ है। कैसे? क्योंकि श्रुति अपने सेठ को लेकर बैठी है। सेठ नहीं है, सोफा सेठ है। रंग लगाए तो कहाँ लगाए, मैं तो कहता हूँ किसी को भी रंग लगाओ लेकिन ध्यान से लगाओ। पिछली बार पता, मैंने श्वेता को रंग लगा दिया था। दोनों बच्चों समेत मेरे पीछे पड़ गई। क्यों? मैंने रंग यहाँ पे लगा दिया था। एक ही बार में उसकी मांग भर दी। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये हमारा बुड्ढा बाप हमारी शादी क्यों नहीं करवाता? अरे बाबा ये बुड्ढा है कमी नजर का, पता है मैंने तो इसको हिंट भी देना शुरू कर दिया, हिंट भी नहीं समझता है। कल मैंने इसको बोला, मैंने कहा बाबा मेरी बात सुनो, अभी मैं हो गया जवान, अभी मेरे को अकेला सोना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन तक ये लगे मेरे साथ सो गया। और मैं एक बात बोलू तुम लोगों को, बहुत हो गया हंसी मजाक, अभी बुड्ढा आएगा ना उसको साफ साफ बोल देना कि कल तक अगर उसने मेरी शादी नहीं की काट के रख दूंगा बुड्ढे को मैं। अच्छा हाँ, तो तुम क्यों नहीं बोल देता जाके? ना बाबा मेरे को डर लगता है कि थप्पड़ ना मार दे कहीं। देख लो बुड्ढे की हरकते, घर में खाने के लाले पड़े और ये 4 व्हीलर बैठ के सारे दिन झूले लेता रहता है। हाँ, सारा दिन कुर्सी पे बैठ के जज बना हुआ, कभी स्टैंडिंग ओवेशन ही दे दे हमें। अरे पकवान पड़कर हमारे बाबूजी के बारे। बाबूजी मेरे बाबूजी का हाल देख लो, बाबूजी के घुटनों में चंदी सुधा, बाहों में अंधी सुधा। नहीं गलत मत समझो, मेरी माँ का नाम सुधा था, बेचारी अंधी थी माँ का। ये क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरी कोई इज्जत कर रहे? इज्जत ऐसे की जाती है बाप की? सॉरी बाबूजी। अपने बाप के ऊपर हाथ उठाते हो? सॉरी 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 पिताजी, सॉरी। नहीं ये ठीक है, कम से कम हाथ तो नहीं उठाता मेरा बेटा, ये होते हैं संस्कार। और सुनो मेरे बच्चों, क्या ये क्या तुम लोग बकवास करते हो? मैं पीछे मेकअप करवा रहा था, सब सुन रहा था, औरत आनी चाहिए शादी शादी। सुन लो, इस घर पे कोई औरत नहीं आएगी। हाँ अगर आएगी तो आप सब आधे घंटे के लिए बाहर चले जाना। जी नहीं, नहीं, मैंने उसको यार मेरी बात नहीं, उसको संस्कार देने कि कैसे रहना घर में। ए देख लो बुड्ढे की हरकते, देखो बुड्ढे की। ए बुड्ढे तेरे मुंह में चूसनी डाल के तेरी किडनी निकाल लूंगा। हाँ। शादी क्यों नहीं करवाता हमारी? अगर इस घर पे किसी ने शादी का नाम लिया तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। ओह माय गॉड, पिताजी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? भाइयों लानत है हम पे, बुड्ढा अभी तक जिंदा, मैं तो कहता मारे इसको। मैं तो कहता हूँ तीखा चाकू लगा के यहाँ लगाओ इसके। मैं तो कहता हूँ भाई इसके पंप डाल के नाभि में सारा ब्लड निकाल। क्या बकवास कर रहे हैं यार, अरे बाप है हमारा, इसको तो चाटे मार मार के मार डालेंगे। ये एक मिनट मेरी बात सुनो, मोड़ डालूंगा तेरे को साले। ठहरो मेरी बात सुनो, अगर आप लोग मेरे से इतना ही क्या इतना ही प्यार करते हो तो फिर बुला लो लड़की को। यस यस, एक बुढ़ाओ, एक लड़की मेरी नजर में है, उसका नाम है टोस्टी। अरे बहुत रापचिक माल है, मैं तो बोलता हूँ उसके साथ होली खेलेंगे और अच्छी लगी तो उसके साथ शादी भी कर लेंगे। आई जस्ट लव टोस्टी, आई लव टोस्टी, आई लव टोस्टी, आई लव टोस्टी। हाय माय नेम इज टोस्टी। He loves toasty. He loves toasty. Wow. हम तो ऐसे ही कूड़ा लेने आए थे। मैं तो टेलीफोन ठीक करने आया था। हाँ इसका काम भी यही है, झूठ मूठ की कॉमेडी करता है। ऐसे क्यों लड़ रहे हो मेरे पीछे? मेरे पिताजी ने कहा है कि लड़की की शक्ल कैसी भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गटर जैसी शक्ल हो, लेकिन मैं
मैं इन चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, सिर्फ दिल अच्छा होना चाहिए। कोई भी गंदी शक्ल वाला, कोई भी यानी कि कीड़े जैसी शक्ल वाला भी चलेगा। ठाकुर मैं कृष्ण से शादी कर लूंगी। क्या बकवास करी, तू जैसी है ना, तेरे पीछे पतीले में ऊंट को भी फ्राई किया जा सकता है। बकवास बंद करो तुम लोग, तुम लोगों को तो हुसन की कदर ही नहीं है। तुम लोग मेरा हुसन देख के चौंक गए ना। ए कोई नहीं चौंकता तेरा हुसन देख के, तेरा हुसन ही चौक है अपने आप में। शट अप, रास्ते में खड़ी थे ना, लोग लगते चौक है, लेफ्ट मार के निकल जाते अपने आप गंगानगर को। तुम लोगों को हुसन की कदर ही नहीं है। लेकिन तुम दो यानी कि चार में से एक ऐसा बंदा है जिसको मेरे हुसन की परवाह है और कदर भी है। वो बंदा ऐसा है कि हर हाल में मेरे से शादी करेगा। ठाकुर ये बोल भी रहा था, इसने कल बोला भी था। मैं तेरे थप्पड़ मार लूं। थप्पड़ मारेगा तो उड़ के लात भी खाएगा। ए, तेरे जैसी लड़कियां हिमाचल चली जाए वहां बैन हो जाती हैं कि अपने पीछे पहाड़ छिपा लेती हैं। बस कर बस कर बस कर बस कर, ए इसको बाहर निकालो, कोई नहीं किससे शादी करेगा। शट अप, मेरी बात सुनो, तुम लोग रहते कैसे हो बिना औरत के, बिना सास के ससुराल कैसे चल रहा है? ए तेरे को किसने बना, सास के बिना ससुराल नहीं चलता, जा जाके सोनी टीवी से पूछ, सास बिना ससुराल चला ले 2 साल से, सुपर हिट टीआरपी। हेलो ए बहन, ए बहन इधर आ, मेरी बात सुन। ए भाई मेरे पास मत आना, मैं मारूंगा तेरे। देखो मैं ऐसे घर में शादी करना चाहती थी जहाँ कोई भी सास वास ना हो, मैं इसी घर में शादी करूंगी, लेकिन मैं किससे करूं? हमारे घर में जब तक बड़ा खाना नहीं खाता हम तो रोटी नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि हम उसकी इज्जत करते हैं, ये कमीना रोटी में जहर मिला देता है। अरे जहर मैंने तुम लोगों के लिए नहीं मिलाया था, बुड्ढो के लिए मिलाया था। लेकिन इस कमबख्त को होता है कुछ नहीं, उल्टा इसकी कवच खुल गई करके। वाह बेटा वाह, अरे जिस बाप ने तुम सबको पेट काट काट के पाला, अरे यकीन नहीं आता, अपना अपना पेट देखो टांके लगे होंगे है? और तुम मुझे मारना चाहते। एक मिनट यार, तुम खुद ही कितना लड़ती हो, मैं किससे शादी करेगी? ये सब बीमार लोग हैं, सबसे सही सलामत तो मैं ही हूँ। हाँ तो बहन के पकौड़े, अगर तू सही सलामत है तू ही क्यों नहीं शादी कर लेता इससे? ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो इतनी मुश्किल से ये व्हील चलाता हूँ और इसको बिठा के कैसे चलाऊंगा। और सुनो मेरी बात, कल रात को आपकी माँ मेरे सपने में आई थी और वो कहती कि इस घर पे बच्चों की शादी कर देना, और आपके वाला सपने तो सच होते हैं। एक सेकंड, कितने बजे आई थी माँ तेरे सपने में? कितने बजे बता, 2 बजे। झूठ बोलता है, 9:45 से लेकर 4:15 तक तो मेरे सपने में झूठ बोलता है तू। मेरे को तो माँ बोल रही थी कि बुड्ढा ठरकी है, तुम्हारी बदनामी कराएगा, पहले इसकी शादी करवाना। ये सपने ऐसे ही होते हैं। नहीं नहीं, माँ मेरे सपने में भी आई थी, बोल रही थी माँ को कभी मत भूलना, इसलिए बाप की शादी नहीं करवाना। ऐसे बोली, सपने होते हैं, सपने सपने होते हैं। मेरे सपने में भी आई थी। क्या? मुझे कह रही थी कि चांटे मार मार के इसको ढीला कर देना। और यार ये सपने सपने कुछ होते नहीं, कमा सपने बनाए किसने यार, सपने तो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। कमाल है भारती, तेरी कोई लाइन है कि तू भी मेरे बेटे ठाकुर जैसी है? मैं बोलती कम है मारती ज्यादा है। मार इस बुड्ढे को। एक मिनट, तूने मेरे पे हाथ उठाया? साले तूने मेरे पे हाथ उठाया? ये तूने ने मेरे को मारा ना बेटे, तू भी मार ले मेरे को। नहीं बेटी, मैं आपको कभी नहीं मार सकता, मैं तो आपकी ये मेरे को दे दो बस, मैं नहीं आपको मारूंगा। हाँ। ये मेरे को दे दो। शाबाश बेटा, असली औलाद वही होती है जो बाप की मूंछ की इज्जत करे। और असली बाप भी वही होता है जो असली मूंछ रखे। अभी मैं इसका ब्रेसलेट बनाऊंगा, ये देखो शादी में पहन के जाऊंगा, कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। तुम लोगों को ना हुसैन की कदर है और ना ही बाप की कदर है। अरे बाप नहीं, हमारा छोटा भाई है रवि। ये देखो मेरे सामने आके देख, गोटी सामने आके देख। हमने सोचा जब तक हमारे पिताजी नहीं आते, हम लोग रिहर्सल करते हैं। आप आंटी ऐसा करिए, मेरे से शादी कर लो। कर तो लूं, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जिस घर में ससुर नहीं है वो घर कैसे चलेगा। भी कमाल है, जब सास बिना ससुराल चल सकता है तो ससुर बिना ससुराल क्यों नहीं चल सकता। आपको पता है
कि प्रिया के पहले आपके शो में मुझे ही लेने वाले थे। अच्छा, लेकिन नहीं लिया होगा क्योंकि शो का नाम बड़े अच्छे लगते हैं, बूढ़े अच्छे लगते नहीं। क्या? वैसे बूढ़े अच्छे लगते हैं या नहीं ये हमारे अगले एक्ट से पता चल ही जाएगा। जी हाँ, बूढ़ी सास को कपिल क्यों सुना रहे हैं खरी खोटी, आइए देखते हैं कॉमेडी सर्कस से कपिल, शिमोना और सास बिना ससुराल से आई हमारी प्यारी बहू टोस्टी। हैप्पी होली सबको, बहुत बहुत। अरे आपके लिए मैं मिठाई लाया हूँ, हलवाई की दुकान में बड़ी पैसे दे के ले लेना, ये तो मेरे खुद के लिए खाली डिब्बा है। आप आई नहीं बाहर, हमने इतना एंजॉय किया, होली मनाई, गाने गाए, सारे मिस कर रहे थे आपको। अच्छा? हाँ, सब पूछ रहे थे, कहते पिछली बार जो ढोलकी वाली आई थी आई नहीं इस बार। इतना इनका स्टेमिना, कसम से बाप रे, 8 घंटे लगातार ढोलकी बजाई पिछली होली पे। 8 घंटे बजाने के बाद फिर कहती भी बस अब मुझे जाना है, मेरे को बरात में ट्रम्पट भी बजानी है। और भाजी हैप्पी होली, होली का फायदा बड़ा है, जिसको मर्जी रंग लगा दो किसी को नहीं पता चलता किसकी बीवी है किसका क्या है कि नहीं। तू भी तो लगवा के बैठी पीछे वाले से। मैं तो सुबह अपनी बीवी के चक्कर में वो पिछली वे सामने वाली गुप्तैन उसको जाके जब भी डाल ली, 15 मिनट तक बोली नहीं कुछ, 15 मिनट बाद की ये क्या कर रहे हो, मैं गुप्ता जी की बीवी हूँ। मैंने कहा भड़क क्या रही है, मेरे को क्या पता नहीं है। और भाई मेरी जो बीवी है ना उसके साथ ही सास कॉम्प्लीमेंट्री आई थी, कमीनी, जब विदाई के वक्त बुड्ढी साथ आई, अभी तक वापस नहीं जा रही, मेरे तो होली खराब हुई पड़ी है, सास से याद आया। और श्रुति कैसी हो? टोस्टी, टोस्टी कहा हो तुम, टोस्टी। होली है, होली है, होली है, होली है। टोस्टी क्यों चिल्ला रहे, होली भी नहीं खेलने देता ठीक से। अम्मा तू तू होली खेल के आई है? हाँ तो इस उम्र में क्रिकेट खेलने जाऊंगी। क्रिकेट तो जिनका काम है उनसे नहीं खेला जा रहा, तू क्या खेलेगी बुढ़िया, तेरे को शर्म नहीं आती, विधवा होके रंगीन होके घूम रही है। शर्म कर, 2 महीने नहीं हुआ तेरा पति मरा, मेरा ससुर तो होली खेले जाएगी है? क्या तेरे को शर्म नहीं आती, होली खेलते फिरते, तेरा पति मरा 2 महीने पहले, तू वो कौन सी पिचकारी लेके गया है? मार रही उसको, असल में मार रही। देख ले, आज के बाद मेरे को कहना नहीं मेरे को पंच दे, तेरा दूसरा अंगूठा भी तोड़ दूंगा मैं। ए सुन बढ़िया ही तू, दिस इज द थर्ड टाइम ये पंचेज आर गोइंग फ्लैट, ओके? बढ़िया ही होली खेलने, बैठ जा, सबका त्यौहार है, बढ़िया ही होली खेलने। हाँ तो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, होली सबका त्यौहार है, सब मनाएंगे खुशी खुशी। अच्छा होली सबका त्यौहार है, जो इतना खर्चा सोनी ने किया वो। होली सिर्फ सोनी का त्यौहार है, सोनी के कलाकार मनाएंगे। हैप्पी होली, सोनी मारूंगा तेरे मुंह पे मैं। मारूंगी मैं तुझे पिचकारी से, बात मत कर ज्यादा। मेरे को पता है तू बड़े मार सकती, तू कोई आम बुड्ढी नहीं है तू। पता है जिस दिन इसका पति मरा 6 घंटे तक यूं बैठी रही, और मैंने कहा अम्मा जी गोली मारो जाने वाला चला गया, क्या फायदा, कहती चलो ठीक है ओके जानू बाद में बात करते। ज्यादा बात मत कर तू। टोस्टी कहाँ है मेरी बीवी? वो अंदर गुजिया लड्डू बना रही है, सीख कुछ उससे, पहले दिन आई कुछ तो कुछ बना रही, तू बिगाड़ा ही कर हमेशा, बुला उसे मुझे भूख लगी है। अरे तो भूख लगी तो बेटी को क्यों बुला रहा है, मैं हूं ना। अरे खाना मैं लगा दूंगी। तू तो लगाना ही मत खाना, पिछली बार मेरी कमीज पे लगा दिया था सारा। मेरी कमीज पे आलू मटर लगा दी, कमीज धोई, 4 आदमियों की सब्जी निकलाई। टोस्टी का है, टोस्टी ले आ गई, ये लो। अरे आ गए आप, तेरे से पहले आए, तेरे को नहीं पता ये इतनी लंबी बच्ची पैदा की, मनी प्लांट खा के पैदा करी थी तूने, इतनी लंबी बच्ची पैदा की है, परसों स्विमिंग करने गई अपने घुटने छिलवा के आ गई है। मैंने कहा चल दोनों स्विमिंग करते हैं, देखते कौन तैर के स्विमिंग पूल पार करता है। मैंने अभी कपड़े में उतारे, भाग के स्विमिंग पूल पार कर गई है। आपको ना और कोई काम नहीं है, मेरी और मेरी बिचारी माँ के पीछे पड़े रहते हैं। तो क्या करूं, भुक्के नंगे लोगों से रिश्ता जोड़ दिया मैंने। दिया गया शादी से पहले, कहते थे तुमको बड़ा दहेज देंगे, अबे क्या दिया तूने दहेज, सीजनल सब्जी दे दी मेरे को। कहते फ्रिज खुद ले लेना, देखो ओए मेरी बेटी के साथ मर्सिडीज लेके आई थी वो, तो उसके पीछे पीछे जो पुलिस आई थी वो। अच्छा, और मेरी माँ ने जो पुलिस के साथ सेटिंग की थी वो, तो उस चक्कर में उस हवलदार को जो अब तक बाबूजी कहना पड़ रहा है वो। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया अभी। अच्छा बताइए खाने में क्या खाएंगे? मैंने नहीं कुछ खाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मैंने 3-4 गुब्बारे खाए। सुनो मेरा खाने का मूड नहीं है, कुछ कुछ हल्का फुल्का मटन टाइप बना लो। मटन नहीं बनाया है, कद्दू बनाया है। मेरी किस्मत खराब है, सुबह से दिन ही खराब है आज। कद्दू ही नहीं रायता भी बनाया है। रायता बनाया, संभाल के रखना ये फैलाती बड़ा तेरी माँ।
अच्छा रायता मैं फैलाती हूँ, और ये जब सोती तब खाना कौन बनाता है? मैं ना? बनाना क्या था तेरे को? क्या बनाना था तेरे को? परसों चिकन बनाया, उसमें से हड्डी निकली। मैंने कहा कोल्ड कॉफी बना दो, इतनी ठंडी कोल्ड कॉफी, इतनी ठंडी, दो मिनट में पी गया मैं। ए, अपनी माँ के कपड़े पैक कर टिफिन में और दफा कर, इस बुढ़िया को नजर नहीं आनी चाहिए मेरे को ये। ए, बुढ़िया मत बोल, तेरी माँ की उम्र क्यों? तो मेरी माँ भी तो बुढ़ी थी, वो कौन सा कॉलेज जाती थी? बाहर निकाल इसको बुढ़िया को। क्या हो गया? बुढ़िया बुढ़िया कहता रहता है, कभी सामने रमेश वाले को देख, रमेश को कितना प्यार करता है अपनी सास से, सीख कुछ। तो उसकी सास देखी तूने, कितनी सेक्सी है, कटसली पहनती वो। अपना मुंह देखा है तूने? परसों केला खाते खाते दांत तोड़वा बैठी थी। चल निकल यहां से। मां, मुझे नहीं रहना इस घर में। तुझे कितनी बार बोला मुझे हरिद्वार जाने, भेज क्यों नहीं देती? भेज दूंगा तुझे हरिद्वार, कभी मटके में आ तो सही तू। हो क्या गया आपको? महकी महकी बातें कर रहे हैं, चलो गुस्सा थूक दो। तेरी माँ के मुंह पे थूक दूं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी माँ ये तो बस ये चाहती है कि हम 3 से 4 हो जाए। तेरे को शर्म नहीं आती? इस उम्र में तेरी माँ के लिए पति ढूंढूं मैं? ये तेरे को छड़ी किसने दी? छोड़ दे, छोड़, देना नहीं इसको, नहीं तो तेरे गुब्बारा मारूंगा मैं। क्या है तेरे को? मेरे लिए पति ढूंढने की जरूरत नहीं, मुझे तो नाती चाहिए। नाती, नाती का मुंह तो दिखाते मुझे। नाती का मुंह कहाँ से देखी? रात 2-2 बजे तक तो खांसती रहती है, खांसी की रानी। बेवकूफ फेंका, ज्यादा मत बोल। तू क्या था, मेरी बेटी से शादी करने के बाद तुझे नौकरी मिली है? तेरी बेटी की शादी करने के बाद नौकरी मिली मुझे है? यस। ठीक है, नो कमेंट्स। और तू मेरी बात सुन, तू बस इधर बैठ, बैठ जा इधर आराम से, अंगूठा टूटा इधर बैठ जा, बैठ जाओ, परिवार बैठ के बात करते, मेरी बात सुने। कम्मा, हमेशा हमारे घर में रहती हो, बाकी जमाइयों के घर में क्यों नहीं जाती तू? मेरी बाकी जमाइयों से बनती नहीं है। अच्छा, बाकियों से बनती नहीं है, तो हम लोग कौन सा एक ही ब्रश पे पेस्ट डाल के करते हैं? और तू एक काम करना, वो ससुर के पास ही चली जा, मेरे ससुर के पास। क्या बोल रहे हो आप? पिताजी का तो देहांत हो गया। हाँ तो चली जाए ना, फोन करके चली जाए, उसमें क्या है? देख टोस्टी, मैं तेरे को बात बता रहा हूँ, एक तेरी माँ के लक्षण ठीक नहीं है। तेरे को बोला मैंने कुछ? तेरी माँ के लक्षण ठीक नहीं है। सुबह ये जो बोल के जाती ना, मैं योगा करने जा रही हूँ गुप्ता जी के साथ, ये कोई योगा नहीं, मेरे को लगता है इसका गुप्ते का अनुलोम विलोम चल रहा है। बैठ जा, मैं कहता हूँ मौका रहते संभाल दे, कहीं ये ना हो तेरी माँ की कपाल भाती कर दे वो। मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो? सच तो ये है कि तुम ही ठीक नहीं हो, सब पता है मुझे। अच्छा, मैं चुप, दोनों चुप, मेरी वजह से लड़ाई मत करो। मैं जा रही हूँ सिंगापुर, वहां सेटल हो जाऊंगी मैं। माँ सिंगापुर? ए माँ, तुम सिंगापुर चली जाओगी हमें छोड़ के? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे माँ? हमें भी लेके जाओ सिंगापुर। हाँ? हमें भी लेके जाओ सिंगापुर माँ। क्या सिंगापुर? आई नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, सिंगापुर नहीं, कानपुर। तो जा, मरना जाके बोलती रहती तू, जाती तो है नहीं तू। मैं कहता हूँ उसको जाने दे, जाने दे, तेरी माँ की मेरी वैसे भी सोच नहीं मिलती है। कभी कभी मेरा दिल करता है बिरयानी खाऊं, ये कहती चिकन बनाओ। हद है यार। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? खाना तो मुझे बनाना पड़ता है ना। चिकन तुझे बनाना पड़ता है, लेकिन बहला फुसला के तो मैं लाता हूँ चिकन को। हर बार मैं एक आध मुर्गे को बोलता चलो तेरी नौकरी लगवा देता हूँ। इस बार तो मैं पकड़ा गया था, एक मुर्गे ने पकड़ दिया मेरे को। कहता हर बार हमारे भाइयों को ले जाते हैं, कहाँ वापिस क्यों नहीं आते? मैंने कहा नहीं आते, फिर क्या हुआ, हर महीने एक अंडा तो भेज रहे। वो मुर्गा इतना कमीना, उसने DNA करवा लिया, कहता ये मेरे भाई का अंडा है ही नहीं। मैंने कहा तू बात बढ़ा मत, तू इसका ऑमलेट तू खा ले, ये गंदा परिवार है, मेरे पल्ले पड़ गया ये। बस बस, जिस घर में मेरी और मेरी माँ की इज्जत नहीं, हमें वहां नहीं रहना। हाँ हाँ बेटी बिल्कुल, एक तो सुबह सुबह अंगूठे का ऑपरेशन हुआ है, ये नहीं कि हालचाल पूछे, बेइज्जती किया जा रहा है गधा कहीं का। अच्छा, चल बेटी। अंगूठे का ऑपरेशन हुआ है, गिफ्ट लेने तो सोहेल की गाड़ी में मेरे से पहले पहुंची थी तू। मेरा रूम बगल में इसी है। तब तेरे अंगूठे का ऑपरेशन नहीं हुआ था? तब तेरे अंगूठे का ऑपरेशन नहीं हुआ था? ए, मेरे मार मत, मैं एक सुन लो मेरी बात, एक सेकंड सोहेल भाई, ऐसे नहीं जाना, थैंक्स बोल के जाना सोहेल भाई को। सोहेल भाई थैंक यू सो मच की, एक सेकंड सोहेल भाई थैंक यू, आपने घड़ी दी। सोहेल भाई के लिए जोरदार तालियां। आपको मिली मैडम? यस। कितनी? 2-4 ली। शर्म तो नहीं आती? नहीं। 5 साल हो गए शो की, जज आज तक टाइम नहीं बताया कभी, वो देखो घड़ियां दे रहे हैं। दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्लीज वॉच अस ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस। थैंक यू, हैप्पी होली। होली।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.